है मेरे भोजपुरी बिरहा सुनने वाले साथियों, बहुत कांड हमने गाया, आप लोगों ने बड़ा दुलार और प्यार दिया। ये जो मैं बिरहा गाने जा रहा हूँ, जवाहर फिल्म्स के बैनर तले, जिसके डायरेक्टर हैं छोटे भाई कमलेश यादव जी, रिकॉर्डिस्ट हैं जितेंद्र जानूदी, और वीडियो पर है गोलू खरवा। बिरहा हमने बहुत गाया और आप लोगों ने सुना, पसंद किया। प्रेमी प्रेमिका की बिरहा, प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी को जहर दे दिया, प्रेमी प्रेमिका फांसी लगा करके मर गए, नदी में कूद करके जान दे दिए। लेकिन एक प्रेमी और प्रेमिका की ऐसी दर्दनाक घटना, जिसको सुन करके इतिहास का पन्ना पन्ना रो दिया और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे के दिल में यह एक आवाज उठने लगी, क्या ऐसा भी होता है इस जमाने में। चार लाइन भूमिका में कभी का भाव है। ज्ञान का दीप बुझ जाता है इश्क में, रिस्क की अब न कोई भी परवाह करते, निकल पाते न घिर कर अंधेरे से बाहर, जरा भी न जुर्मी जमाने से डरते, ना पाक लेकर मन में इरादा, आगर रिश्तों में खुद ही लगा देते हैं, सिसकती है स्याही ये रोती कलम है, दाग दामन में पापी लगा देते हैं। मास्टर बिरहा में एक बहुत पुरानी गजल है, लेकिन क्या बात है। अरे जहां आदमी बिकाला, जहां आदमी बिकाला, वाले साथियों, जमाने के लोगों, ये जान लो कि कितनी, ये जान लो कि कितनी है प्यार की गहराई, ये जान लो कि कितनी है प्यार की गहराई, ये जान लो कि कितनी। ये जान लो कि कितनी है प्यार की गहराई, कांटों से घिरी है राहें, कांटों से घिरी है राहें, घटना कहां की है मास्टर? उत्तर प्रदेश में अमरोहा की कहानी है, उत्तर प्रदेश में अमरोहा की कहानी है, भवन खड़ी ग्राम में एक लड़की की नदानी है, चौखट की बेटी सबनम सलीम प्यार में, चौखट की बेटी सबनम सलीम प्यार में, मिलते थे रोज आकर के बियर वो बार में, गाते थे गीत ऐसे मस्ती में झूम कर, गाते थे गीत ऐसे मस्ती में झूम कर, देखे नहीं कभी वो पीछे
पीछे हम उड़ कर आज से लगभग 12-13 वर्ष पहले की यह घटना आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। सन 2008 में जिला अमरोहा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बावन खेड़ी का रहने वाला एक सम्मानित परिवार, उस परिवार के मुखिया का नाम था शौकत अली। शिक्षक थे, मास्टर थे, उनकी बेटी सबनम, परिवार में बेटी सबनम थी, दो बेटे थे और दो लड़कियां थी। हरा भरा परिवार चल रहा था, बड़ी खूबसूरत थी सबनम, उस परिवार की बड़ी लड़की। बाप के मन में सपना था अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके इसको भी शिक्षक बनाऊंगा। समय बीतता गया और उसी गांव का रहने वाला सलीम नाम का एक नौजवान जो 8वीं फेल था, लेकिन प्यार में आदमी न गोर करिया चिन्हेल, न बूढ़ न जवान, न जात न बिरादर, न मोट न पातर, न गोर न करिया, बड़ी खूबसूरत थी सबनम। एमए पास कराया वो बाप अपने बेटी को, लेकिन दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। सलीम और सबनम में धीरे धीरे प्यार की शुरुआत होने लगी। तरस कौन पे मास्टर, वाह वाह क्या बात है। अरे जिया हीरा तरज तो यहां वह बा के गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में, सबनम और सलीम का प्यार परवान चढ़ा तो कवि ने भाव लिखा है कि लिख लगले कहानी यार प्यार के, सबनम और सलीम के प्यार की चर्चा गांव जवारी इलाके में हो गई। मास्टर शौकत अली का चेहरा नीचा होने लगा, बेटी को डबल में कराया था शौकत अली ने, उसका प्यार चल रहा था 8वीं फेल सलीम से, लेकिन जब प्यार दोनों का परवान चढ़ा, दोनों शादी करने पर आमादा हो गए। इसका विरोध किया उस लड़की के बाप ने, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन सबनम ने सपना सजाया कि मैं शादी करूंगी तो सलीम के साथ करूंगी, और जब शादी करूंगी तो मेरा बाप और मेरा परिवार इसमें रोड़ा बन रहा है, तो हम क्यों न पहले परिवार को ही खत्म करें। योजना दोनों बनाते हैं सलीम और सबनम। तरज बदल गई मास्टर, आए हैं
झूला की मोरी नई झूलनी की मरी नई झूलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइल हो। लेकिन सलीम और सबनम क्या योजना बनाते हैं, अरे लगले बनावे लगल बनावे यो जनवा बिकल हो सोचे मनावा जिसको कहते हैं, रोज दूध देता था उस परिवार में। दोनों बलदेव को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, जरा कुछ दूध बढ़ा करके दे देना। अरे बलदेव यादव के एक दिन बोलवाने बलदेव यादव से कुछ ज्यादा दूध लेते हैं, दोनों योजना बनाते हैं कैसे परिवार को खत्म किया जाए। शबनम योजनाबद्ध तरीके से सलीम को भेजती है कीटनाशक दवा के लिए अमरोहा बाजार में, कहीं अगल बगल से दवा मंगाऊंगी तो लोगों को शंका हो जाएगा। और सलीम चल दिया अमरोहा बाजार में कीटनाशक दवा लेने के लिए। किस दुकान पर पहुंचा, तरज बदल गई मास्टर। ए शर्मा जी, धुन तो वो समय के बाद जेवना घरी हम बिरहा सीखत रहली, पहला बिरहा सीखली वो पहला बिरहा कई धुन रहल। आज से लगभग 40 42 45 बरिस पहले कई धुन बा वो जमाना में गवैया गावत रहलन। तनी आजो कल की धुन से के मिला ली है जा श्रोता सजन। अरे ठीक है दोपहरिया में गोड़ावा जरेला हो, तनी हम के ले बा, अरे तनी हम के ले बा गोरवा सलीम का ईमान बदल गया। अरे नीचे बाई मनवा के बदल अली मनवा, बदल अली मनवा हो, तब पहुंचल बाटे, तब पहुंचल बाटे अमरोहा बाजार मन के मितवा। आए मेरे मित्रों, पहुंचा अमरोहा बाजार में
और जा करके बताया उस मेडिकल स्टोर पर कि हम कुछ तरकारी बोले बनियों में किरौना कीटनाशक कोई हमें दवा दे दीजिए, पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं। जब जा करके आवाज देता है उस डॉक्टर के यहाँ, तब मंटू जय सवाल से वो पूछे ले उपैया कृष्णा हमरा के दे दवाइया। दवा लेके चलल, अरे दवा लेके चलल पपिया गदार मन के मितवा। मंटू जायसवाल की दुकान से कीटनाशक दवा लेकर के वह सलीम आया। शाम ढलने लगी, सबनम से मिला, प्यार में परिवार तुम्हारा रोड़ा बन रहा है, जहर दे करके क्यों ना हम लोग मार दें, दूध में जहर को मिलाते हैं सलीम और सबनम, पारा पारी पूरे परिवार को पिलाते हैं, दूध में वह कीटनाशक दवा मिलाने से जहर हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब रात बीतल, 10 बजल, भाव कभी जी लिखना मास्टर, आए हाय हाय पन्ना भाई डफरा के गीत बाम। पहले जब बारात चले वो बरातन में, पहले के जमाना में डफरा के नाच होके वही पर लोग आवे, अरे माटी खो न गाइल रे वही माटी खाना जहर भीन गया, पूरे परिवार के लोग छटपटाने लगे। वह सबनम बुलाती है सलीम को, पारा पारी सबकी गर्दन पकड़ने लगी। सबसे पहले पहुंची अपने बाप के पास, बाहर बेटी और बाप का रिश्ता किस मनसा से वह बाप अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके एमए पास कराया। कुछ होश में था वह बाप, सौका तली गर्दन पकड़ती है और हाथ में कुल्हाड़ी उठाया है वह सलीम। बाप अपने बेटी शेख दया की भीख मांग रहा है, मास्टर साहब तरज तो है बाप। अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कतली मास्टर अपने बेटी से दया की भीख मांग रहा है। अरे हमारी बेटी हो, अरे हमारी बेटी हो,
भइल जन्म जब गोद में लेके तोहके हम खेलवली बेटी जो तुम्हारी इच्छा करे कर लेना शादी, मैं रुड़ा नहीं बनूंगा लेकिन हमें बख्श दो बेटी। लेकिन बाहर हत्यारीन बेटी गर्दन पकड़ती है और वह सलीम हत्यारा ही कई बार में कुल्हाड़ी से उस मास्टर की गर्दन को काट दिया। धीरे धीरे पूरे परिवार को मारा, गर्दन पकड़ती गई वह सबनम और सलीम कुल्हाड़ी से कसाई जैसे काटता गया, बहन भाइयों को काट दिया। 11-12 साल का एक भतीजा था सबनम का, उसके अंदर जहर पूरा असर नहीं किया था, छटपटा रहा था, रो रहा था। जब जाती है उस भतीजे के पास, रोने लगा वह भतीजा, बुआ हमर जान मत मारो, बुआ हम केहू से ना कहवे गांव में कि हमरी परिवार के तू ही मरले बाड़ू, हमर जान छोड़ दे बुआ, छोटा सा नन्हा मुन्हा दया की भीख मांग रहा है अपने बुआ से। उस समय के भाव बात तरस के उन्होंने मास्टर तरस तो वह बा मास्टर पिया परदेश गई ले तार लागो टोपिया में। रो रहा है वो 10-11 साल का बच्चा, काहे खातिर मार तारू जान हमरे बुआ हो, अरे जान हमरे बुआ हो, प्राण हमरे बुआ हो, जान हमरे बुआ हो, प्राण हमरे बुआ हो, काहे खाती मार तारू जान हमरे बुआ हो, काहे खाती मार तारू जान हमरे बुआ हो, काहे खाती मार तारू जान हमरे बुआ हो, अरे हमरा के दे दे क्षमा दान हमरे बुआ हो, काहे खाती मार तारू जान हमरे बुआ हो, लेकिन सबनम के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था वह नन्ना मुन्ना। बच्चा रो रहा है जब ले जी अब तब ले ऐसा शान तो हर महानबू, अरे जनवा से बड़ी के हम तुहरा के जानब, बोलब नहीं कबहु जमान हमर बुआ है, जुबान हमर बुआ हो, हमरा के दे द क्षमा दान हमर बुआ हो, नहीं मानी वह हरामी। उस शिक्षक की बेटी सबनम और सलीम उस मासूम बेटे की गर्दन को कुल्हाड़ी से उतार दिए। मचा कोहराम हल्ला हो गया। सुबह की बेला में बैठ करके दरवाजे पर छाती पीट पीट करके रोने लगी, हमारे पटीदार जमीन जायदाद के लिए हमारे पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिए। लेकिन बिरहा के टेरी में कभी ने भाव लिखा है,
अरे इतिहास का पन्ना पन्ना रो दिया, अरे इतिहास का पन्ना पन्ना रो दिया, गुलिस्ता खाक हुई ना पूरी हुई तमन्ना, अरे तमन्ना अरे तमन्ना। बैठ के त्रिया चरित्र दैवो न जान, बैठ के नखड़ा कैले बे, गांव जवार के लोग जुटल बा, पुलिस प्रशासन के लोग जुटे है, इल्जाम लगा रही अपने पटदार दयात के ऊपर। पहपट में कवि ने भाव लिखा है, अरे कैलस न खड़ा सली रूप में आई बन के हर जाई, चाहे मेके के दई फसाई बन के हर जाई। केवना खातिर के हल्ला कैले बे कि जगह जमीन हड़पे खातिर, अब खेले खेल पटीदार हो, लाश के ऊपर उलट पुलट के रोवे जार बेजार हो, पाके सूचना गईल पुलिस तब आई बन के हर जाई, आयागी दिहलस पानी में लगाई बन के हर जाई। पानी में आग ना लगल है शर्मा जी, पानी में आग लगाई हर जाई चिन्ह बारे तेजन। तेजन कभी एगो गीत लिखले रहलन, बिना अगिया के आग पानी में लगाई हर जाई चिन्ह, फरके से फट दे चिन्हाई हर जाई चिन्ह। प्यार में पागल पूरे परिवार का निस्तना बहुत करती है वह सबनम, बैठ करके रो रही है। इस खबर की सूचना मिली उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को, जाती है उस परिवार से मिलने के लिए। भाव कवि आल्हा में लिखा है, अरे चोरी हत्या पाप नहीं, छिपला छिपौले भैया, मुख्यमंत्री मायावती आई के खबरिया भैया, 5 लाख देवे खातिर भैली तैयारी, बाकी दुधावा से पानिया अलग हो गईले भैया, सबनम सलीम गईले जलिया मझा, फांसी के सजाया भैला कोटवा से भैया, बेर बेर पपनिया लगावले गुहार, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी गई, 5 लाख रुपया दे रही थी परिवार को, लेकिन पीए ने इसका विरोध किया। असली पता लगाया जाए, लग रहा है कि इस परिवार की हत्या कराने वाली यह सबनम महिला ही है। आखिरकार छानबीन हुई, हथकंडा है सरकार के पास, सीबीआई जांच बैठाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि सबनम ने ही अपने परिवार का कत्लेआम किया है। कोर्ट से आदेश हुआ, जेल की सलाखों में आज तक बंद थी। अब चर्चा हो रही है पेपर पत्रिका में, अखबार में, टेलीविजन पर और मोबाइल पर, नेट से, चैनल के माध्यम से, कि अब सबनम की फांसी होगी, सलीम की भी फांसी होगी। लेकिन एक राज इसमें छुपा है मेरे बिरहा सुनने वाले साथियों, सलीम और सबनम के प्यार का एक निशानी, जेल में ही बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ताज रखा गया, और उस जेल से ताज को लेकर के फरिश्ता भगवान का, उस्मान नाम के व्यक्ति
उस जेल से उस बच्चे को लेकर के गया, उसका पालन पोषण किया। वो लड़का आज लगभग 11-12 वर्ष का हो गया है। गया था जेल में शबनम से मिलने के लिए और आवाज दिया कि मेरी मम्मी को छोड़ दो। और शबनम ने रोते रोते अपने बेटे को समझाया, जाओ बेटा पढ़ो लिखो, आगे नाम रोशन करो। मेरे मित्रों, तो आखिरी लाइन में कवि का भाव है, अरे खुलल भेद ताज के पहचान भइले, देखा बनी के फरिश्ता उस मान आइले। राष्ट्रपति महोदय के नाम से वह 11-12 साल का लड़का ताज एक चिट्ठी भी लिखा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मम्मी को फांसी मत दो, मेरी मम्मी को फांसी मत दो, मेरी मम्मी बेकसूर है। वह लड़का आयुष्मान नाम के एक मुसलमान के पास दोनों पति पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। यह खुलासा हुआ है, ऐलान तो हो गया कोर्ट से कि शबनम को फांसी होगी, लेकिन लग रहा है कि अब फांसी टल भी सकती है। किसी ज्योतिषी ने, किसी संत ने, किसी महंत ने कहा कि शबनम को फांसी देने से भारत की तस्वीर और तकदीर भी बिगड़ सकती है। आगे जो हो, मालिक जो लिखेगा वही होगा। राष्ट्रपति से गुहार करे लागल बाललनवा, मम्मी के सरकार हमरा दे दी क्षमा दनवा। अरे मम्मी बिना चूरी अरमान भइले, देखा बनी के फरिश्ता उस्मान आई। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पराग उर्जा दूदे जालिम हुआ जमाना, बाला भोला का सिनाथ अपना बना बेगाना, अरे इतिहास का पन्ना पन्ना रो दिया।